मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं धमचिक। उत्तर प्रदेश का अमेठी लोकसभा क्षेत्र, जहां से 23 मई को राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव में हुई अप्रत्याशित हार और स्मृति ईरानी की जीत ने देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में स्थित एक गांव बरोलिया गांव को, जिसके पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था, और उसी बरोलिया गांव में जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जूता वितरण मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, जिस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर बरोलिया गांव के लोगों को जूते बांटने का आरोप लगाते हुए इसे अमेठी के लोगों का अपमान तक बताया था। इसी जूता वितरण कार्यक्रम के तहत स्मृति ईरानी के कार्यकर्ता और करीबी माने जाने वाले बरोलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह को अज्ञात बदमाशों ने घर पर सोते वक्त शनिवार रात करीब 11:30 बजे गोली मार दी थी, जहां से गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हम आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह को स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर उनके साथ देखा जाता था और स्मृति ईरानी ने कई मौक़ों पर उनके काम की तारीफ भी की थी। सुरेंद्र सिंह की हत्या की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और घटना की जांच जारी है। यह तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि इस हत्याकांड के पीछे राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं या अन्य कोई षड्यंत्र जिम्मेदार है। इस घटना से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।